बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसल गैंगलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे लाजमी बी सी क्यूज और एम सी क्यूज बनते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग, वी ऑल नो दिस के हमारे पास ग्रे और वाइट मैटर की अरेंजमेंट कैसी होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। वी नो दैट स्पाइनल कॉर्ड में तो सेंट्रली बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर होता है और बाहर वाला जो आउटर वाइट मैटर होता है। ब्रेन में हमारे पास जो ये अगर कॉर्ड हमारा ब्रेन है, उसमें पहले बाहर की तरफ वी हैव ग्रे मैटर, देन उसमें इंटरनल शीट आती है वाइट मैटर की, एंड देन अगेन सेंटर में वी हैव ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर, वाइट मैटर, एंड देन अगेन वी हैव ग्रे मैटर। सो आउटर मोस्ट ग्रे है, देन वाइट है, एंड देन अगेन वी हैव ग्रे मैटर। सो ये जो आउटर मोस्ट जो ग्रे मैटर है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वाइट मैटर एक थिन शीट फॉर्म कर रहा होता है, ये हम ब्रेन की बात करें, ओके। एंड जो इंटरनल इनर मोस्ट जो ग्रे मैटर है, वो हमारे पास कहला रहा होता है बेसल गैंग्लिया। इसमें जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब मिलके बेसल गैंग्लिया बना रहे होते हैं, ठीक है। सो जो इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन इज एक्चुअली द बेसल गैंग्लिया। अब हम जब बेसल गैंग्लिया को पढ़ेंगे, तो इसमें चार मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट, कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ बेसल गैंग्लिया। सबसे पहले एनाटॉमिकली पहले हम बात करें, एनाटॉमिकली वी हैव फोर स्ट्रक्चर्स वी हैव इन इट। फर्स्ट वी हैव कॉर्डेट न्यूक्लियस, देन वी हैव लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थर्ड इज अमिग्डाला, एंड द फोर्थ इज कोलोस्ट्रम। तो एनाटॉमिकली तो ये चार स्ट्रक्चर्स मिलके बेसल गैंग्लिया बना रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि दो और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेसल गैंग्लिया का पार्ट कहलाते हैं फंक्शनली। सो दो स्ट्रक्चर्स हैं, अब हमने यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं कि सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये जो है फंक्शनली रिलेटेड, मतलब एनाटॉमिकली ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट नहीं है, बट फंक्शनली दे आर रिलेटेड टू बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, ओके, मैंने शॉर्ट में दिया। सो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको पहले तो हम जनरली देख लेते हैं, फिर एक एक स्ट्रक्चर्स को हम और डिस्कस करेंगे कि कैसा दिखता है, क्या होता है। लेकिन पहले अब हम उसे जनरली देख लेते हैं कि ब्रेन में ये स्ट्रक्चर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं और कैसे दिखते हैं। अब जैसे कि हम एक सुपीरियर व्यू देख रहे हैं ब्रेन का, सुपीरियर व्यू ऑफ ब्रेन, ठीक है। अगर हम ब्रेन को ऊपर से देखें तो ये एक सेंटर में मिड लाइन होती है जिसके अंदर हमारे पास, सॉरी टेढ़ी बन गई, खैर तो हमें यूं कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। सेंटर में मिड लाइन होती है, इस मिड लाइन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी भी पाई जाती है। सेंटर में जो मिड लाइन है जिसमें थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, तो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी की जो लेटरल वॉल है थैलेमस बनाता है, तो बिल्कुल इसकी लेटरली वी हैव थैलेमस। आफ्टर थैलेमस वी हैव अ कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दिस दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्डेट न्यूक्लियस। देन वी हैव इंटरनल कैप्स्यूल की फाइबर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। After that we have saucer shaped
सॉरी सॉसर शेप नहीं, होता है कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स लेंस की शेप की तरह होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. देन अगेन वी हैव एक्सटर्नल कैप्स्यूल. आफ्टर दैट फिर सॉसर शेप आता है कोलोस्ट्रम. एंड दोनों साइड पे मैं दोनों साइड पे बना देती हूँ. एंड आफ्टर कोलोस्ट्रम वी हैव सेरिब्रल कॉर्टेक्स. लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा, इंसुला ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कौन सा पार्ट, इंसुला ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो अब अगर हम इसी का जो है थोड़ा जूम्ड व्यू देखें, तो दिस इज अ मिडलाइन ऑफ द ब्रेन. इसमें फिर लैटरली वी हैव थैलेमस. आफ्टर थैलेमस कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस. उसके बाद फाइबर्स होती हैं इंटरनल कैप्स्यूल की. देन उसके लेटरली, अब हम मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं, मैं इसको एक फ्लो चार्ट में भी लिख दूंगी ताकि आपको स्ट्रक्चर्स के नेम जहन में रहें. एंड उसके बाद कॉन्वेक्स शेप्ड लेंस, कॉन्वेक्स लेंस शेप जो है एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. देन वी हैव एक्सटर्नल कैप्स्यूल, इंटरनल अंदर हो गई थी, देन वी हैव एक्सटर्नल कैप्स्यूल के फाइबर्स. एंड देन सॉसर शेप्ड, सॉसर इज जिसमें चाय पीते थे ना, तो प्रच प्याली कहते हैं शायद, आई थिंक. सो वो सॉसर शेप जो है एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. एंड देन वी हैव सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसका जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज इंसुला, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट जो कि बिल्कुल इसके आधार होता है, दैट इज इंसुला. तो अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में लिखे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल. मीडियल या हम इसका एक जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. फ्रॉम मीडियल टू लैटरल स्ट्रक्चर्स होते हैं सबसे पहले मिडलाइन. मिडलाइन के लैटरली वी हैव के बाद होता है थैलेमस. मिडलाइन में ही थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी होती है और जो थैलेमस है वो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी की लैटरल वॉल बना रहा होता है. वी हैव थैलेमस, आफ्टर दैट वी हैव कॉर्डेट न्यूक्लियस. Then there is internal capsule. Then lateral to internal capsule that there is lentiform nucleus. After that, we have external capsule. Then there is colostrum and after that insula, insula of cerebral cortex. ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर्स बना के बताए हैं इनको मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख भी दिया है. सॉरी मिड ब्रेन लिख रही थी, दिस इज मिड लाइन. अच्छा, और ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं कोलोस्ट्रम, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये तीनों हैं ग्रे मैटर की एग्रीगेशन, ग्रे मैटर की एग्रीगेशन. ठीक है, तो दीज ऑल थ्री स्ट्रक्चर्स जो कि बेसल गैंग्लिया के हैं, अभी एमिग्डाला नहीं आया, वो मैं आपको बताऊंगी. तो अभी ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ग्रे मैटर की एग्रीगेशन है.